नमस्कार दोस्तों, मैं रतन मुला आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हमारे पास जो स्मार्ट वॉच है वो बोट की स्मार्ट वॉच है, जिसका मॉडल है फ्लैश आरटीएल। दोस्त इसको सबसे पहले हम लोग ओपन करेंगे और देखेंगे, और उसके बाद में आपको दिखाएंगे कि वॉच कैसे है। ओपन करने पे कुछ यहाँ पे इस तरीके का स्टिकर चिपका हुआ आता है, और इसका जो बेल्ट का क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। मजबूत बेल्ट बोट वाले देते हैं ताकि आपका बेल्ट टूट ना जाए। बढ़िया, मैं इसकी तारीफ़ करूँगा। और यहाँ पर जो आपको स्टिकर लगा हुआ देख रहे हैं, इसको आप निकाल देना है। यहाँ से निकाल दीजिएगा स्टिकर, और उसके बाद में दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि वॉच ऑफ है। ऑन करेंगे तो ऑन नहीं होगी, या फिर हो सकता है कोई ऑन हो जाए, लेकिन ऑफ ऑन करने से ऑन नहीं हो रही है, मतलब इसका जो चार्जिंग है वो है जो ख़त्म हो चुका है। ये बहुत सारे स्मार्टफोन में मैंने एक चीज़ कॉमन देखी है कि ऑलमोस्ट 90% स्मार्ट वॉच के अंदर है जो चार्जिंग नहीं होता है। तो देख लीजिए, जीरो चार्जिंग है। तो हमने चार्जिंग में डाला और इसको पूरा चार्ज कर दिया। तो अब हम चलते हैं मोबाइल की तरफ, जहाँ पे जो ऐप है वो है बोट वेरेबल। इसको आप अपने स्मार्टफोन पे डाउनलोड कर दीजिए, और इसको वॉच को पूरा सेटअप करना है ताकि आपका जो टाइम है वो चेंज हो सके, और आपका कॉल का नोटिफिकेशन आ सके, और आपका जो मैसेज है उसका नोटिफिकेशन आ सके। तो यहाँ पे आपको जो अलाउ नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर देना है, ब्लूटूथ ऑन होने दीजिए, और यहाँ पे कुछ इस तरीके का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे हम लोग ओके करेंगे, वॉच का है जो मॉडल, आपको यहाँ पे फ्लैश करके इस वॉच का मॉडल का नाम है वो सेलेक्ट कर देना है। ये करने के बाद में दोस्तों ये बैटरी को बैकग्राउंड में यूज़ करती है, तो यहाँ पे बैटरी ऑप्टिमाइजेशन जो है उसको आपको अलाउ करना है। यहाँ पे नॉट अलाउड है उसको अलाउ कर देना है, ऑप्टिमाइज कर देना है, और अलाउ करने के बाद में आप फिर बैक जाला जाना है, और यहाँ पे जो है इसको परमिशन सारी देनी होगी। और इसी परमिशन को यहाँ देने के लिए मैं सारी चीज़ों को परमिशन वन बाई वन, यहाँ पेयर ऑप्शन है, ब्लूटूथ देख लीजिए ऑन है, वाईफाई की ज़रूरत नहीं है, तो ब्लूटूथ ऑन ऑलरेडी है। यहाँ पे मैं पैर ओके करता हूँ, और यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, तो पैर सक्सेसफुल आ चुका है दोस्तों। और अब हम यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हैं, नहीं तो ऊपर स्किप का बटन है वो भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आप जो भी है एज है, आपकी उम्र वगैरह जो भी है, आपकी हाइट वगैरह, उसको ओके कर दीजिए, पूरा सेटअप हो जाएगा। और फिर यहाँ परमिशन है कैमरा की, उसको भी आप अलाउ कर दीजिए, तब कि आप है जो इसको वॉच को सेक करके है जो फ़ोटो ले सके। दोस्तों यहाँ पे ये नीचे के ऑप्शन दिए हुए हैं जहाँ पे वॉच वाले को ओके करते हैं, तो यहाँ से सारी सेटिंग आपको मिलती है। इनको आप आराम से ध्यान से देखिएगा, आपको सारी वीडियो में समझ में आ जाएगा, और इसमें कैसे ऑप्शन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर कोई इसको वॉच का बटन घूमने वाला सिस्टम नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक बार उसको करते तो ऑन होता है। और ये जो ऑप्शन है वो नीचे से ऊपर से लेफ्ट से साइड से, मैं वो आपको बता देता हूँ कि ये कैसे कैसे काम करता है। तो यहाँ पे ये बटन एक बार बंद चालू में ऐसे होता है, और लेफ्ट राइट स्वाइप ऐसे करने से ये सारे ऑप्शन आते हैं, आप देख सकते हैं। तो इसको मोबाइल से सारे नोटिफिकेशन को कैसे ऑन करना है, और आपका जो वॉल पोस्टर है, वॉल फेसेस है, उसको कैसे सेटअप करना है, और अपनी फ़ोटो है जो कैसे है जो इंस्टॉल डाल सकते हो इस वॉच के अंदर। यहाँ पे ब्राइटनेस भी है, आप कम ज़्यादा कर सकते हो दोस्तों, और आपके व्हाट्सएप के मैसेज कैसे मिलेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और व्हाट्सएप का मैसेज खोल के भी दिखा देता हूँ, और कॉल करके भी आपको दिखा देता हूँ। सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों आगे का ऑप्शन हम देखते हैं। तो ये तो सारी मैं चीज़ें आपको चालू इसको स्क्रॉल वगैरह करके लेफ्ट राइट घुमा के बता दिए है। तो यहाँ पे हमको बहुत सारा सेटिंग यहाँ पे करना है, तो ध्यान से वीडियो का पूरा देखिएगा, लास्ट में लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। 24 आवर्स है, तो आप इसको चाहिए तो ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हैं, और वेक गेसर ऑप्शन ऑन कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं, और मौसम का जो है
कितने डिग्री सेल्सियस रखना है वो भी देख सकते हैं, सेटिंग उसमें कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो ऑप्शन है वॉच फेसेस का है, इतने सारे वॉच फेसेस आप देखने को मिल जाते हैं और आजकल डाउनलोड करने का ऑप्शन भी दे दिया है दोस्तों, बहुत सारा मतलब मिल जाता है। और सबसे जो अपनी पसंदीदा वॉल फेसेस डालने के लिए आपको क्रिएट कस्टम वॉच फेस के ऑप्शन वाले को क्लिक करना है, और क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको जो इसकी जो बैकग्राउंड है वो कैसे रहनी है और उसका टाइम ऊपर नीचे रहना है वो सारी चीज़ें आपको है जो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो फ़ोटो है वो अपलोड इमेज वाला ऑप्शन से क्लिक करके अपनी गैलरी से या डायरेक्ट फ़ोटो खींच के है जो सेलेक्ट करके उसको ओके करने से जो है डाउनलोडिंग ये हो जाएगा। लेकिन दोस्तों टाइम है जो मेरे मुंह पे आ गया है, मैं उसको नीचे करने से नीचे, और ये जो कलर मुझे नहीं दिख रहा है तो मैंने इसको कलर चेंज करके इसको ओके किया हूँ तो ये डाउनलोड हो रहा है। तो दोस्तों कुछ ही देर में ये यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा और इधर से उधर है जो ट्रांसफ़र हो जाएगी, और उसके बाद में है जो अपना वॉच का फेसेस आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल चेंज हो चुका है। दोस्तों हम अब आगे की सेटिंग आपको बताने जा रहे हैं। सेकंड नंबर वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या दिया हुआ है वो आपको बताते हैं कि वॉच फेसेस हमने दिखा दिया है, और उसके बाद में है जो ऐप नोटिफिकेशन दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, मैसेज, इनकमिंग कॉल, व्हाट्सएप, जीमेल और अदर, यानी कि कोई दूसरा व्हाट्सएप नोटिफिकेशन भी है तो भी आपको यहाँ से ऑन कर देने से है जो नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और अलार्म भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं दोस्तों ताकि आपको जो अलार्म से आप सुबह जल्दी उठ सको, तो यह सारी चीज़ें आप है जो इस ऐप के सेटिंग के अंदर भी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों जो कैमरा है सेक फॉर सेल्फी, तो ये ऐसे करेंगे सेक कटक से पिक्चर आ जाएगी, ऐसे आप हाथ हिलाएंगे कटक से आपकी फ़ोटो है जो मोबाइल से खिंच जाएगी। तो और यहाँ पे बाद में अगर आपका वॉच इधर उधर गुम हो गया है तो मिल नहीं रहा है तो आप फाइंड डिवाइस करके है जो घड़ी वाइब्रेट होएगी और आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये काफ़ी जो इम्पोर्टेंट आपको जो सेटिंग है वो आपको मैंने यहाँ पे दिखाया है, और इससे आपको है जो मोबाइल को यूज़ करने जो मेन फंक्शन है वो आपको सारे दिखाया। अब मैं आपको व्हाट्सएप जो है नोटिफिकेशन ऑन किया है तो मैं आपको इसको लाइव टेस्ट भी करके बताने वाला हूँ, क्योंकि क्या व्हाट्सएप पे इसका मैसेज आता है और अगर आता है तो कैसा आता है, फुल आता है, क्या हम इसको रिप्लाई कर सकते हैं, सारे सवालों के जवाब इस अभी मैं देने वाला हूँ। दोस्तों मैं दूसरे मोबाइल्स में यहाँ पे मैसेज भेज जाऊँ तो इसमें जो मैसेज है वो हम पढ़ सकते हैं। दोस्तों इस वॉच के अंदर हम मैसेज को रिप्लाई मैसेज मतलब रिप्लाई नहीं कर सकते हैं, और मोस्ट ऑफ वॉचेस में रिप्ले करने का ऑप्शन बहुत ही कम देखने को मिलता है, और ये मैसेज आए हुए हैं उसमें एक एक खोल के उसको मैसेज को पढ़ सकते हैं, और जब ये फुल हो जाए तो क्लियर ऑल करने जो नीचे का बटन है दोस्तों उसको ओके करके आप इन सारे मैसेज को है जो यहाँ से हटा सकते हैं, इन साउंड की घटा को यहाँ से हटा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ नॉर्मल मैसेज भी है जो आपको सेंड करके दिखाने वाला हूँ कि वो किस तरह से यहाँ पे दिखाई देता है और क्या वो आता है या नहीं। तो यहाँ पे मैं ये कॉल करके भी आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ पे जो कॉल है जो यह आ रही है, और आप चाहे तो उसको डिसकनेक्ट कर सकते हैं या अपने ब्लूटूथ डिवाइस से। देखो दोस्तों यहाँ पे कॉल बाय आइडेंटिफाई भी दिया है कि ट्रू कॉलर से, ये पता नहीं भाई ये कैसे फीचर इसमें ऐड हुआ है कि ट्रू कॉलर से है जो नाम बता दिया है इसने कि सिम किसका है, और नंबर भी दिखा दिया है, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन मुझे देखने को मिला है। और सारे यहाँ पे हेल्थ के जो ऑप्शन है वो सारे यहाँ पे स्पोर्ट्स, रन, योगा, बास्केटबॉल, क्लिम, फुटबॉल, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिला। अभी ये छोटी छोटी चीज़ें कोई दिखाने के टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब चीज़ें तो आप देख लेंगे मुझे पता है। जो मेन ऑप्शन है जिसमें आपको बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे इस वीडियो में है जो आपको बता दिया दोस्तों। बस मैं ये मैसेज है इसको ओपन करके दिखा देता हूँ कि भाई मैसेज आता है तो किस तरीके से आता है, कॉल भी आता है तो उधर आता है। तो यहाँ पे व्हाट्सएप भी मैंने दिखा दिया है, और ये म्यूजिक भी कंट्रोल करने का ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। म्यूजिक इसमें चलता नहीं है, इसमें स्पीकर नहीं है, तो म्यूजिक जो भी है वो कंट्रोल अपने
आपको यहाँ से कर सकते हैं कि मोबाइल आप यहाँ से दबाया और म्यूजिक ऑन ऑफ आ गए, वो उधर से कंट्रोल होकर चेंज हो सकता सॉन्ग। तो मिलते